देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. एक कॉइन को टॉस किया जाता है 3 टाइम और जो आउटकम आते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है. तो बताना है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, कितने आउटकम होंगे. तो हम जानते हैं जब किसी कॉइन को हम 1 टाइम टॉस करेंगे तो 2 फेसेस होती है, हेड आ सकता है या टेल, यानी 2 आउटकम होंगे. तो ईच थ्रो पर हमें 2 आउटकम फाइंड होंगे. अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हम फाइंड करना चाहते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे. तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 = 4, 2 × 8 आउटकम्स हमें फाइंड होंगे. तो हम लिखते हैं वी नो दैट ए कॉइन हैज 2 फेसेस and each throw has 2 possible outcomes. Each throw पर 2 possible outcome होंगे. तो हम यहाँ लिखते हैं इन फर्स्ट थ्रो इन सेकंड थ्रो और इन थर्ड थ्रो पॉसिबल आउटकम्स equal to ये होंगे each throw पर 2 × 2 hence by fundamental principle of counting required number of outcomes equal to हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 8. 8 outcomes हमें find होंगे. Note it. देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है. गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर ऑफ द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स. नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फ्लैग्स for each signal equal to 2. Each signal के लिए कम से कम 2 color का flag होना जरूरी है. 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा हम यूज कर सकते हैं. तो जो vacant place होंगी इस condition में ये होंगी फ्लैग की 2. अब इस 2 के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट प्लेस पर हम 5 कलर में से कोई भी यूज कर सकते हैं. सेकंड के लिए जो रिमेनिंग बचेंगे 4, उनमें से हम यूज कर सकते हैं. तो वही यूज करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग
required number of signal equal to हो जाएंगे 5 × 4 = 20। तो जो सिग्नल बनेंगे वो होंगे आपके 20। 5 फ्लैग का यूज करके इसमें से कोई भी फ्लैग यूज करेंगे वो कम से कम 2 फ्लैग जरूर होंगे सिग्नल में। अब 2 के बाद 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप से यूज करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल हमारे आएंगे 20। थैंक यू, नोटेड।